अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू ऑल गाइस आर, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। वेलकम टू माय चैनल ज़ीनत सेज़ोन। वेल, टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूजली हेल्पफुल वीडियो फॉर ऑल दोज हु हैव ड्राई स्किन, सेंसिटिव एंड एक्जिमा प्रॉन स्किन, बिकॉज विंटर है और विंटर में बहुत ज़्यादा खुश्क हवाएँ होती हैं जिसकी वजह से ड्राई स्किन और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है और भी ज़्यादा ट्रबल और प्रॉब्लम से गुजरती है। बिकॉज माई ओन स्किन इज़ ड्राई प्लस सेंसिटिव टाइप स्किन, और मुझे बताया कि ये स्किन जो है वो कितनी ज़्यादा मुश्किल में डाल देती है आपको इफ़ यू आर नॉट यूजिंग एनी गुड मॉइस्चराइजर। सो इफ़ यू ऑल्सो हैव दिस टाइप ऑफ स्किन तो डोंट यू वरी, आज मैं आपके लिए वो सोल्यूशन, ड्राई स्किन सोल्यूशन भी ले आई हूँ, और वो क्रीम जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। दैट क्रीम इज़ दिस सेरावी मॉइस्चराइजिंग क्रीम। या इट इज़ सेरावी एस ए स्मूदिंग क्रीम। इट्स बेसिकली सैलिसिलिक एसिड स्मूदिंग क्रीम है। Well, this cream really works on your dry skin. It's the ultimate dry skin solution. थोड़ी सी ये प्राइसी होगी, बट डोंट यू वरी, अगर आपको लगता है कि ये आपके बजट से थोड़ा आउट जा रही है तो वीडियो को एंड तक देखें, बिकॉज आगे जाकर वीडियो में मैं आपके लिए इसका एक अल्टरनेटिव भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसका एक सब्स्टिट्यूट है जो आप इस क्रीम की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। वेल, दिस क्रीम इज़ रियली रियली अमेजिंग। इट रियली वर्क्स इन टू योर स्किन। इट गिव्स ड्यूई फिनिश टू योर फेस। और इसको अप्लाई करने का यू नो तरीका ये कि आपने इसको जब अपने फेस पे अप्लाई करना है, एक यू नो ऑब्वियसली डॉट डॉट फॉर्म में हम लगाते हैं, तो इसको जब हमने मसाज फॉर्म में नहीं हमने इसको अप्लाई करना है, बल्कि एक टैप टैप फॉर्म में इसको सारे फेस पे अप्लाई कर देना है। उससे क्या होगा, आपको फर्स्ट जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल भी मॉइस्चराइजिंग नहीं है, लेकिन आफ्टर 3 to 4 minutes आप नोटिस करेंगे कि आपकी स्किन ऑल्दो कि ड्राई है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड सी और एक ड्यूई सी आपको यू नो लगेगी। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस क्रीम इज़ कि ये बहुत जल्दी से एवेपोरेट नहीं होती है, और ये इतना जार जो है वो 4 to 4 months तक तो ईजीली जाता है अगर आप सिंगल में यूज़ कर रहे हैं, सिंगल पर्सन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके बारे में हर चीज़ जो है यहाँ पर मेंशन है। कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ऐसा सच नहीं है, इसीलिए ये सेंसिटिव और एक्जिमा प्रोन स्किन के लिए भी इक्वली सूटेबल है। एंड इफ़ यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन, मीन्स अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, तो आप इसको सारे फेस पर अप्लाई करने की बजाय बेहतर है कि उन एरियाज़ पर लगा लें जहाँ पर यू नो यू हैव ड्राइनेस के पैचेस, आप वहाँ पर इसको अप्लाई करें। और मैंने ये इसको रात यू नो सोने से पहले इसको अप्लाई करती हूँ अपने फेस पर, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा वास्ट इम्प्रूवमेंट नज़र आया है अपने फेस पर इस क्रीम को यूज़ करने के बाद। ओके, वन मोर थिंग अबाउट दिस क्रीम कि ये ना तो टैकी है और ना ही ग्रीसी है। लगाने के बाद आपको ये नहीं लगेगा यार मैंने क्या लगा लिया हुआ है फेस पर। इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स अमाउंट, इट्स अमाउंट इज़ काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक अच्छी खासी अमाउंट है इसके अंदर, अच्छी खासी क्वांटिटी है। और इट गोज़ फॉर, एज आई मेंशन्ड बिफोर, इट गोज़ फॉर 3 to 4 months वेरी इजीली। और दिस कैन बी यूज फॉर योर बॉडी, आई मीन यू कैन यूज़ इट ऑन योर पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑन योर हैंड्स, ऑन योर फीट, और ड्राई एल्बोज एंड वेर एवर यू हैव नो ड्राई पैचेज ऑन योर बॉडी, आप वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मीन्स आपको कोई अलग से बॉडी लोशन वगैरह यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होगी इफ़ यू आर यूजिंग दिस मॉइस्चराइजिंग क्रीम। और ये बहुत जल्दी से पेनिट्रेट हो जाती है स्किन के अंदर, और इट हैज़ नो फ्रेगरेंस। और एक टिप उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और एक्जिमा प्रोन होती है, वो उस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिनके अंदर कोई फ्रेगरेंस नहीं हो, क्योंकि फ्रेगरेंस वाली प्रोडक्ट्स जो हैं, मॉइस्चराइजर्स जो हैं, वो उनकी स्किन को और भी ज़्यादा ट्रबल में डाल सकते हैं। और ट्राई करें कि उस तरह के प्रोडक्ट्स हों जो अल्कोहल फ्री हों, किसी भी किस्म के यू नो अगर आप इंग्रेडिएंट्स को जाकर पढ़ें तो उनके अंदर अल्कोहल वो इस तरह के अल्कोहल कंटेंट्स वाली जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो फ्री ऑफ अल्कोहल प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करें, फिर उनकी स्किन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव यू नो नहीं होगी इस तरह के प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करने से, ठीक है। एंड पीपल हु हैव ऑयली स्किन कैन ऑल्सो यूज़ इट वेरी इजीली, क्योंकि ये किसी किस्म का ब्रेकआउट नहीं करता है फेस पर। इफ़ यू हैव ड्राई स्किन तो फिर आप इसको मेकअप से पहले यू नो यूज़ कर सकते हैं, बट इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, और फिर आप इसको मेकअप से पहले यूज़ नहीं करें, क्योंकि मैंने बताया कि इसकी लेयर थोड़ी हैवी बनती है। सो वो है सब्स्टिट्यूट जो इस मॉइस्चराइजर का था, उस क्रीम का था, वो था ये पॉन्ड्स का लोशन। मुझे इन दोनों को यूज़ करके इक्वल सा रिजल्ट मिला,
लेकिन ये डिफरेंस इतना है कि ये जल्दी से एवेपोरेट हो जाता है पॉन्ड्स का ये लोशन, वाइल वो क्रीम जो है वो जल्दी से एवेपोरेट नहीं होती है। और कंसिस्टेंसी की बात करें तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी थिक है, थोड़ी थिन है, मीन ये इसकी लाइट लेयर बनती है आपके फेस पर, और जल्दी से ये भी एब्जॉर्ब हो जाता है, बट वो उसकी थिक जो उसकी लेयर बनती है वो थोड़ी थिक लेयर बनती है। और ये इसकी फ्रेग्रेंस भी है, और ऑल्दो कि बहुत लाइट फ्रेग्रेंस है बट इट हैज़ फ्रेग्रेंस। और या इज इफेक्टिव फॉर ड्राई स्किन बट नॉट फॉर ह्यूजली ड्राई और फॉर सेंसिटिव स्किन। आई विल नॉट रिकमेंड इट फॉर सेंसिटिव सेंसिटिव स्किन के लिए। और प्राइस की बात करें तो वो भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट है। आई मीन सेरावी इज़ इन थाउजेंड्स, वाइल पॉइंट्स का ये लोशन इज़ इन हंड्रेड्स। तो लेकिन ये है कि ये ज़्यादा यूज़ होता है, पॉइंट्स का जो लोशन है ये ज़्यादा इसको अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि ये जल्दी से एवेपोरेट हो जाता है, इसीलिए इसको ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है, वाइल उसको ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तो वो जो है इसको भी आप फेस पर और बॉडी पर इक्वली यूज़ कर सकते हैं। और समटाइम्स होते हैं कुछ मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं वो आप अराउंड योर आईज यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉन्ड्स का ये मॉइस्चराइजर आप अराउंड एंड ऑन टू योर आईज़ यू कैन वेरी इजीली, यू नो, लिड्स पर, आई लिड्स पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता है। समटाइम्स इची बम्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, कुछ मॉइस्चराइजर्स इस तरह के होते हैं, लेकिन इन दोनों मॉइस्चराइजर को यूज़ करने के बाद आपकी स्किन ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव और ना ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी, बल्कि थोड़ा सूदिंग, यू नो, इफेक्ट होगा, हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग होगा इन दोनों को यूज़ करना। वेल, आप इसको यूज़ करें और इन दोनों का यूज़ करने के बाद मुझे बताएं कि किस तरह का रिजल्ट मिला। होप द रिव्यू हेल्प्ड यू गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।